हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रतन भाईसा की रसोई। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार डिलीशियस रेड वेलवेट केक, वो भी कढ़ाई में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी आपको। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसका टेक्सचर जो है आप देख सकते हैं, ये दिखने में इतनी शानदार है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे वेनिला का केक मिक्स लिया है। केक मिक्स आपको बाजार में बहुत ही आसान से मिल जाएगा। एक बाउल ले लिया है। इस मेजरिंग कप से एक कप प्लस आधा कप यानी कि डेढ़ कप वेनिला का केक मिक्स ले लिया है, छान के लेना है। अब हम ले लेंगे इसमें एक चौथाई कप ऑलिव ऑयल। आप कोई भी सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो एक चौथाई कप हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लेंगे और इसे हम हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे आधा कप सादा नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस हैंड विस्कर से मिक्स करते हुए इसका बैटर रेडी कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसका बैटर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे रेड फूड कलर। 7-8 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, या फिर आपका ज़्यादा रेड चाहिए तो कलर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये सारा प्रोसीजर करने के पहले मैंने कढ़ाई को जो है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट कर दिया था। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे हार्ट शेप का मोल्ड लिया है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, और बटर पेपर को जो है मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है। अब इस बैटर को जो है हम इस टिन के अंदर पोर कर देंगे। कढ़ाई को प्रीहीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम टैप कर देंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए। तो कढ़ाई के अंदर तले मैंने नमक बिछाया है और एक स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे ये टिन, और इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन, और इसे हम लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के बाद में एक बार चेक करेंगे। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने इसे 25 से 30 मिनट के बाद में एक बार चेक किया था तो टूथपिक जो है गीला आ रहा था, तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और पका दिया था। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 40 से 45 मिनट मैक्सिमम हो चुके हैं। तो आप 40 या 45 मिनट तक बेक कर सकते हैं। इस टूथपिक देखिए बिल्कुल ड्राई आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा केक जो है परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इसे हम कर देंगे बिल्कुल ठंडा। तो ये केक जो है ठंडा हो चुका है, एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, अब हम निकाल देंगे इसका बटर पेपर। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम और बर्तन अलग अलग होते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये चेक कर लेना है कि अगर टूथपिक ड्राई आ रहा है तो ही आप केक को बाहर निकालिए, अदरवाइज आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ये मेरे पास कटर है, तो इस कटर की सहायता से मैं जो है इस केक के 3 लेयर कट कर दूंगी। आपको जितने कट करने हैं उतने कट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कटर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। मैंने धागे से कट करना भी बताया है, इसके वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। तो एक कटर के नंबर सेट करते हुए केक के लेयर को कट कर देंगे। कटर को जो है आपको उठाना बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे केक के 3 लेयर कट कर दिए हैं। अब हम जो सबसे पहले ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर से हम पतली सी लेयर चाकू की सहायता से निकाल देंगे। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कढ़ाई को प्री हीट करना है और टूथपिक ड्राई आएगा तब आपका केक जो है बेक हो जाएगा। तो मैंने एक बेस ले लिया है, बेस के ऊपर मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा दिया है और एक बेस केक का एक लेयर रख दिया है। इसके ऊपर हम लगा देंगे पानी और लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम, और इसे पैलेट नाइफ की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे। अब हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरी का क्रश, और इसे भी हम पैलेट नाइफ की सहायता से अच्छे से केक के ऊपर फैला देंगे। क्रश आप अपनी मर्जी का भी डाल सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम डाल देंगे दूसरा लेयर और सेम प्रोसीजर, सादा नॉर्मल पानी डाल देंगे। पानी ना तो ज़्यादा डालना है ना ही कम डालना है। अब हम डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम, क्रश अच्छे से फैला के इस केक की जो है हम आइसिंग कर लेंगे।
और लास्ट में हम डाल देंगे थर्ड लेयर, इसके ऊपर भी सादा नॉर्मल पानी डाल देंगे और केक की जो है अच्छे से आइसिंग कर देंगे। इसके ऊपर क्रश नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे 2.5 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, ट्रोपोलाइट का रिच व्हिपिंग क्रीम लिया है मैंने यहाँ पे, और इसे इलेक्ट्रिकल बीटर से अच्छे से बीट कर दिया है। तो ये हमारी केक की आइसिंग जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम बचे हुए क्रीम के अंदर रेड फूड कलर डाल देंगे। आप अपनी मर्जी से आपको जितना रेड चाहिए उतने ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टार नोजल लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इलेक्ट्रिकल बीटर से। अगर क्रीम आपका बीट नहीं हो रहा है तो नीचे एक आइस का बाउल रख दीजिए। अब हम एक पाइपिंग बैग में कुछ येलो फूड कलर के ड्रॉप्स गिरा देंगे ताकि इससे शेड अच्छा आए। यह ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे छोटा स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो कलर डाल के व्हिपिंग क्रीम रेडी करी थी इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम रख देंगे एक पेपर पे हार्ट शेप कट करके और उसे हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब हमने जो केक के ऊपर की पतली लेयर को काटा था उसके क्रम्बल को जो है हम इस हार्ट शेप पे डाल देंगे। अब हम हटा देंगे पेपर को। तो ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। अब हमने जो पाइपिंग बैग में क्रीम भर के रखी थी उससे इस तरह से केक के बॉर्डर पे स्टार लगा देंगे। आप देख सकते हैं येलो कलर डाला था तो कॉर्नर पे जो है येलो शेड आ रहा है और अंदर जो है रेड दिख रहा है। सेम प्रोसीजर हम केक के साइड में भी इस तरह से बॉर्डर बना देंगे। अब हमने जो हार्ट शेप बीच में बना के रखा है उसके कॉर्नर पे भी इस तरह से स्टार लगा लेंगे। केक की डेकोरेटिंग आप पे डिपेंड करती है, आपको किस टाइप से करनी है उस टाइप से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा शानदार डिलीशियस केक रेडी हो चुका है। तो अब हम जो सेंटर में हार्ट पे बॉर्डर बनाया है उसके ऊपर हम ये गोल्डन बॉल लगा लेंगे। अब हम लेंगे न्यूट्रिल जेल, ये भी आपको बाजार में बहुत ही आसान से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून न्यूट्रिल जेल लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून पानी और इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम डाल देंगे इसमें रेड फूड कलर और इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम लेंगे एक पाइपिंग बैग और उस बैग में हम ये न्यूट्रिल जेल को भर देंगे और इस तरह से केक के किनारों पे जो है हम इस तरह से ड्रॉप्स को गिरा देंगे। ये हमारा शानदार डिलीशियस केक जो है रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।